नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं मुकेश बाकर और हम पढ़ रहे थे स्मगलिंग। स्मगलिंग में कल की क्लास में हमने पढ़ा स्मगलिंग की कुछ सूत्र और सामान्य स्मगलिंग किस तरह से करते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा कि जो स्मगलिंग है वो निश्चित है, अनिश्चित है, अनंत है या फिर किसी पृष्ठ के सापेक्ष जो स्मगलिंग है वो किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे उससे जस्ट आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डबल इंट्रीगल, यानी कि दो बार समाकलन। दो बार समाकलन कैसे करते हैं तो आइए देखते हैं। तो दो बार समाकलन करने से पहले हम ये देखते हैं कि निश्चित समाकलन आना आपको जरूरी है। तो निश्चित समाकलन क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा कि इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 एक्स डीएक्स, ठीक है। अब है निश्चित समाकलन के बारे में, मैंने कल आपको बताया था कि ये जो चिन्ह है समाकलन का, इसके ऊपर यदि ऊपर और नीचे लिमिट दी हुई है तो हम उसे कहते हैं निश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन होता है उसके आगे हम प्लस सी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि जो अनिश्चित समाकलन होता है उसको मैंने ऐसे लिखते हैं जैसे कि एक्स डीएक्स ये लिख दिया। अब है जो अनिश्चित समाकलन होगा उसके आगे ही प्लस सी लगाना है। सी का मतलब होता है कोई कॉन्स्टेंट मान है, ठीक है। तो अब देखो इस निश्चित समाकलन को हल कैसे करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन के लिए हमें एक सूत्र पता है, कौन से वाला, एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या होता है कि समाकलन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स इक्वल टू होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये सूत्र अब यहां पे लगाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एक्स की पावर यहां पे कितनी है, वन है, तो एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। और यहां पे इसको कोष्ठक बना दो और लोअर लिमिट और ये होगी अपर लिमिट। तो एक्स की पावर कितनी होगी, टू अपॉन टू, 0 से 1। अब क्या करोगे, इसमें जो कॉन्स्टेंट मान उसको बाहर ले ले, जैसे कि 1/2 है तो 1/2 को मैंने बाहर ले लिया। तो यहां पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर 0 से 1, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका समाकलन हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इस लिमिट है ना इसका मान इसमें रखना है एक्स की जगह। तो एक्स की जगह कैसे रखेंगे कि 1/2 लिख दिया, और जो ये लिमिट दी हुई होती है जिसमें यहां पे ऊपर लिमिट ए वन है और नीचे की जो लिमिट है वो है 0, तो हमें क्या करना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना करो, 0 रहने वाला है, तो ये हो गया 1/2 एंड 1 माइनस 0, तो कितना हो गया 1/2। तो इस तरह से हमें निश्चित समाकलन करना है। तो अब देखो जैसे डबल इंटीग्रल आ जाए, यहां पे सिंगल इंटीग्रल था, जैसे कि डीएक्स, एक्स का हमने एक्स के सापेक्ष किया। डबल आ जाए तो डबल में हम क्या करते हैं कि यहां पे जैसे कि एक्स लिख दिया, एक्स का एक्स के सापेक्ष, और यहां पे क्या कर देंगे वाई के सापेक्ष, और करना हो तो वाई के सापेक्ष और लिख दिया। यहां पे है ये आ जाएगा और इंटीग्रल। ट्रिपल आ जाए तो ट्रिपल में भी यही करना है कि समाकलन का एक चिन्ह ज्यादा आ जाएगा और एक आगे कोई भी है डीजेड लिख दिया तो डीजेड के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो सिंगल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, इनके बारे में आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको अवकलन करना है। लेकिन इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब आप सॉरी समाकलन करते हो तो समाकलन में क्या करना है कि जो फर्स्ट पास में जो इंटीग्रल का चिन्ह होता है उसकी तो लिमिट रखनी है, और जो लास्ट में होता है ना, जैसे कि हम यहां पे लिख रहे हैं लास्ट में डी जेड लिखा, तो डी जेड के सापेक्ष पहले आपको समाकलन करना है, उसके बाद में डीवाई का समाकलन करना है, फिर उसके बाद में डीएक्स का समाकलन करना है। इस तरह से हमें क्वेश्चनों को हल करना है। अब है कल मैंने आपको बताया था एक प्रतिस्थापन विधि के बारे में, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि आप समझ गए होंगे, लेकिन अब जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना तो वो ऐसे नहीं कि आपको प्रतिस्थापन विधि के आधार पर ही आएंगे कि आप बस ये क्वेश्चन आ गया तो आप केवल प्रतिस्थापन विधि से ही हल करोगे। क्यों,
ये कोई कंपल्सरी नहीं है समाकलन। हाँ, यदि ये लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करो तो हमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, अदरवाइज आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कि इसमें कौन सी विधि यूज होगी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सोचना है कि यदि इसका डायरेक्ट समाकलन हो रहा है तो डायरेक्ट समाकलन करना है, उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि, वो माने तो उसमें कि हम कौन से मान को टी मान ले कि बाकी का जो मान है वो हमें डी टी के बराबर प्राप्त हो जाए, या फिर इस तरह की स्थिति आ जाए जिसमें हमें आश्रित भिन्न का जो विधि है उसका यूज करना पड़े या खंडित समाकलन का उपयोग करना पड़े। तो वो हमें पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें वो विधि लगानी है। अब जैसे खंडित समाकलन के बारे में हम बात करें तो खंडित समाकलन क्या है कि जब दो प्रकार के कोई गुणा में आ जाए संख्याएं, जिसमें आइलेट के अनुसार पढ़ते हैं ना हम आइलेट, तो उसमें वो सूत्र है कि फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन, इस तरह से क्वेश्चनों को हल करना है। तो लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो द्विसमाकलन है डबल इंटीग्रल है वो किस तरह से करना है। देखो क्वेश्चन, आप देखो फर्स्ट नंबर आया है मान ज्ञात कीजिए 0 से 1 और 0 से 2 एक्स प्लस वाई डीएक्स डीवाई, इसका हमें समाकलन करना है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैंने जैसे कोई संख्या लिख दी कॉन्स्टेंट मान आ गया, ठीक है, कॉन्स्टेंट मान कैसे कि अवकलन में हम पढ़ते हैं कि मैंने कहा 2 का अवकलन, तो 2 का अवकलन आप बिना सोचे समझे बता दोगे कि इसका अवकलन 0 होता है। तो मैं ये पूछ लूं कि 2 का समाकलन क्या होगा तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे भाई? बहुत से ऐसे सोचने लग जाते हैं कि 2 का समाकलन तो 0 होता है, और अभी तक मैंने केवल ये कहा है 2 का समाकलन क्या होगा, क्वेश्चन पूरा नहीं है। ये क्वेश्चन पूरा कब होता है जब मैं कहूं कि 2 का x के सापेक्ष या y के सापेक्ष या z के सापेक्ष जो समाकलन है वो क्या होगा, क्वेश्चन ये कंप्लीट है। ऐसे नहीं है कि भाई मैंने कहा कि 2 का समाकलन बताओ तो आप लोगों ने लिख दिया 2x + c, नहीं, किसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो इस बात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वैसे ही अवकलन में आप देखना बहुत उत्से ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि मैंने कहा कि इस 3 का अवकलन क्या होगा, तो हाँ ये तो कॉन्स्टेंट मान है, कॉन्स्टेंट मान का तो मान लिया, लेकिन बाय द वे जैसे कि y आ गया तो अब y का अवकलन मैंने कहा कि y का अवकलन करो, तो बहुत सारे क्या करते हैं कि y का तो डिवाइड बाई dx होता है, और मैं यही बोल दूं इस क्वेश्चन को y का y के सापेक्ष अवकलन क्या होगा तो क्या होता है, y का y के सापेक्ष 1 होता है। तो इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम जिस संख्या का अवकलन या समाकलन कर रहे हैं वो संख्या किसके सापेक्ष हम अवकलन या समाकलन कर रहे हैं, इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब देखो अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 0 से 1 और 0 से 2 x + y dx और dy, इसका हमें समाकलन करना है। तो समाकलन कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उधर से लास्ट वाला ले लो और इधर से ये फर्स्ट वाला ले लो, कैसे कि मैंने ये लिखा 0 से 1 लिख दिया, अब इसमें 0 से 2 x + y और dy कर दो और कोष्ठक बंद कर दो, इसके बाद लगा दो dx, क्लियर है? अभी तक मैंने जो किया है वो समझ गए होंगे आप कि जो ये पास वाला है समाकलन वाला 0 से 2 इसका समाकलन, इसके पास में यहां पे समाकलन का चिन्ह लगाओ 0 से 2 x + y और उधर से लास्ट वाले का
इनके सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो आगे, जीरो से वन तो है जैसे के जैसे रहने दो, और अंदर है हम कर लेते हैं इसका समाकलन। तो भाई जो एक्स है, इस एक्स का वाई के सापेक्ष समाकलन क्या होगा? एक्स का वाई के सापेक्ष, एक्स का वाई के सापेक्ष क्या होता है, क्या होता है? वाई, वाई होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स वाई प्लस इस वाई का वाई के सापेक्ष क्या होगा, वाई का वाई के सापेक्ष, यानी जो हमें डीवाई दिया गया है और यहां पे क्या है y, तो ये सूत्र कौन सा बन रहा है, x की पावर n वाला नहीं है क्या? x की पावर n का हम जब x के सापेक्ष करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करते हैं, तो ठीक वैसे ही है। अब जब y का हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको, y की पावर 1, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, y की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि y स्क्वायर अपॉन 2। तो ये मैंने लिख दिया y स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, हो गया इसका समाकलन। अब जो ये लिमिट थी 0 से 2 पहले किसके ऊपर थी, इस समाकलन के ऊपर थी, लेकिन हमने यहां से इस चिन्ह को हटा दिया है, इसका समाकलन कर दिया है, और जब इसका समाकलन कर दिया जाता है तो इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप इसको बस लगाए रहे हो कि अंत तक चलो लेके चलते हैं इसको साथ में, तो अंत तक नहीं है, इसका अंत यहीं पे हो गया है। जैसे समाकलन कंप्लीट, इस चिन्ह को तुरंत वहीं से हटा दो, और इसकी जो लिमिट है वो अब इस कोष्ट के ऊपर लगा दो, 0 से 2, और क्या है dx, ठीक है भाई, इतना क्लियर है सभी के? अरे मैंने यहां पे x के साथ में y कैसे लिखा पता है ने, कि मान लो ये एक बार आपको बता देता हूं, वैसे तो पता होगा आपको क्योंकि जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने समाकलन कैसे करते हैं उसके बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि जैसे मैंने ये लिखा x, x का जब y के सापेक्ष करते हैं, x एक कांस्टेंट मान सकते हैं, बार मान लो इसको बार ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 dy, और 1 का y के सापेक्ष क्या होता है y, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, xy, ठीक है। तो अब देखो भाई समाकलन का चिन्ह वापस लगाओ, अभी हमने इस एक समाकलन के चिन्ह को हटाया है, एक बार समाकलन किया है तो एक बार समाकलन के चिन्ह का यूज खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे वाला अभी भी पड़ा है, अभी तक हमने दूसरे वाले का कहीं पर भी यूज नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने अभी जस्ट बताया था पहले कि जब समाकलन करते हैं, समाकलन कर दिया तो जो अपर लिमिट होती है उसमें से लोअर लिमिट को घटाना है, तो यहां पे क्या लिखूंगा भाई मैं, अब यहां पे किसके सापेक्ष कर रहे थे हम, y के सापेक्ष किया ने, अरे y के सापेक्ष किया, अब ऐसे नहीं कि आप यहां पे x की जगह मान रखने लग जाओ, y का जहां जहां y है वहीं वहीं आप मान रखोगे, ठीक है। यहां पे x है, अभी आप पूछोगे सर यहां पे x है तो x की जगह हम मान क्या रखें, x की जगह आपको मान कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम यहां पे y के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमें x से कोई लेना देना नहीं है, x का कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि x यहां पे हम ऐसे मान लो कि एक कांस्टेंट है, उससे हम लेके नहीं चल रहे हैं, वो तो जबरदस्ती हमारे साथ में आ रहा है तो अब उसको ले चलो बस, ठीक है। तो y की जगह रखो x डॉट 2 प्लस y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अपर लिमिट यहां पे मान रख दिया, अरे जहां जहां वाई था वहां वहां मैंने 2 रख दिए मान, अब क्या करना है इसको, तो इस पूरे कोष्ट के अंदर पहले अपर लिमिट रखनी है, ठीक है, फिर माइनस पूरे जो कोष्ट के उसमें लोअर लिमिट रखनी है, तो यहां पे मैं रखूंगा 0, तो x डॉट 0 प्लस y का स्क्वायर, y की जगह मान रखना है तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर अपॉन 2 dx। अब देखो इस लिमिट का भी काम तमाम हो गया, हो गया ना, कैसे कि यहां से 0 से 2 था और मैंने यहां पे 0 से 2 मान रख दिया, जब मैं मान रख दूंगा तो अब इनका कहीं यूज है क्या, नहीं है ना, तो
अब इसको आगे हल करो, जीरो से वन एक्स को दो से गुणा किया, टू एक्स प्लस ये हो गए फोर अपॉन टू माइनस ये हो गया जीरो प्लस ये भी हो गया जीरो, एक्स को जीरो से गुणा किया जीरो और ये भी जीरो हो गया और डीएक्स। ठीक है, अब यहां से दो का भाग इसमें दूंगा तो दो आ जाएगा, तो कितना प्राप्त हो गया यहां से, टू एक्स प्लस टू डीएक्स, ये जीरो हो ही गया। क्लियर है भाई इतना? अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष इस पूरे का समाकलन करना है, तो कैसे करेंगे, जीरो से वन रहने दो, यदि अब यहां पे आप चाहो ना तो दो दोनों में है तो आप कॉमन लेके भी इसको हल कर सकते हो, और यदि नहीं लेना चाहते तो मत लो, डायरेक्ट भी कर देंगे हम। कैसे करेंगे कि अब यहां पे 2x है तो 2 को रहने दो, x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, x का x के सापेक्ष यानी कि x की घात कितनी है 1, वही सूत्र लगेगा x की पावर n वाला, तो x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस, इसका समाकलन कंप्लीट हो गया। अब आगे रहा 2, तो 2 लिख दिया, 2 के गुणा में भाई क्या है, 2 के गुणा में 1 है, कॉन्स्टेंट मान है, और उस 1 का x के सापेक्ष जब हम समाकलन करते हैं तो क्या आएगा, x के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास में आएगा x, हो गया समाकलन कंप्लीट। अरे समाकलन कंप्लीट हो गया, अभी नहीं हुआ है, अभी लिमिट और पड़ी है, लेकिन इस x का रोल हमने यहां पे खत्म कर दिया। आप चाहो ना तो इसमें आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, जीरो से टू, ठीक है, तो अब देखो इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स जीरो से वन, जीरो से वन है सॉरी, अब टू नहीं है, जीरो से वन ही है, तो यहां पे भी जीरो से वन, फिर से वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, लिख दिया वन प्लस टू डॉट वन माइनस यहां पे हो जाएगा जीरो प्लस टू डॉट जीरो, तो ये हो गया दो और एक तीन माइनस जीरो, तो कितना प्राप्त हो गया, ये आ गया भाई अपने आंसर। इस तरह से आपको डबल इंटीग्रल हल करना है। अब आगे देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास, अब सारे क्वेश्चन मैं करा दूं तो भी वही बात रहने वाली है, और एक क्वेश्चन करा दिया तो भी वही बात है, लेकिन दो तीन क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप ऐसे समझ जाओ कि भाई पहले वाला क्या अब की बार वाले में कुछ अंतर है या नहीं है, है ना, तो इसलिए आप आराम से समझना, एक एक चीज बता रहा हूं, इसका मतलब यही है कि आप एक बार जब पढ़ लो इनको तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें ये एक तो आ गया जीरो से तीन है, सेकंड वाला है वन से टू एक्स वाई, वन प्लस एक्स प्लस वाई और डीएक्स और डीवाई करना है, तो इसमें आप भाई क्या कर सकते हो, एक्स वाई है और बीच में ये कोष्टक दिया हुआ है, तो एक बात तो आप ये कर सकते हो कि इसमें कोई सूत्र लगेगा या फिर कोई विधि लगाएं तो कौन सी विधि लगेगी, या डायरेक्ट इसका समाकलन हो रहा है, पहले तो आपको ये ध्यान में लाना पड़ेगा, और ये कैसे लाओगे, इस क्वेश्चन को देख के, तो आपको इस क्वेश्चन को देखकर कैसा लग रहा है कि इसमें कौन सी विधि यूज हो सकती है या डायरेक्ट समाकलन हो रहा है इसका, सबसे पहले तो यही बात होती है ना कि जब हमें कोई मान दिया गया है तो उस मान का हल है वो हम किस विधि से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ही डिपेंड करेगा कि हम विधि कौन सी लगा रहे हैं। अब हमें जब विधि का ही नहीं पता और हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि भाई अरे समाकलन करना है, समाकलन तो आता है अपने, तो समाकलन अपने को आता है लेकिन हम ये विधि कौन सी लगा रहे हैं वो बात बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, अदरवाइज क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब देखो इसमें हम बात करें तो अंदर गुणा करा दो इनको, सीधा समाकलन हो सकता है इनका, तो हो सकता है ना, करें ट्राई,
चलो तो आप देखो जीरो से थ्री और इसमें है वन से टू, एक्स वाई को अंदर गुणा कराया तो एक्स वाई प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ये हो गया डी एक्स डी वाई। तो सबसे पहले जब हम समाकलन करेंगे तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था कि जो समाकलन था एक तो ये पहले वाला था एक सेकंड वाला था, तो हमने पहले सेकंड वाले समाकलन का यहाँ पे यूज किया था, इधर है लास्ट वाले कि हम जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं वो लास्ट वाला लिया था। तो ठीक वैसे सारे क्वेश्चन को इसी तरह से करना है आपको, जब डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल आए ना तो यही विधि अपनानी है अपने को कि जो लास्ट में है उसके सापेक्ष हमें करना है और इधर से फर्स्ट वाली लिमिट लेनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जीरो से थ्री और ये लगा दियो, चलो इसका सीधा ही कर रहे हैं तो फिर ये देख लो बना लो कोष्टक। अब है यहां पे सबसे पहले हम किसके सापेक्ष करेंगे भाई, एक बार चलो लिख देते हैं और तो क्या, अदरवाइज हम सीधा भी कर सकते हैं एक स्टेप छोड़ के भी, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई और यहां पे लिख दो डी एक्स ले रहे भाई। तो अब देखो आगे जीरो से थ्री और अब है इनका वाई के सापेक्ष प्रत्येक का समाकलन करेंगे। अब देखो इनमें एक चीज और ध्यान रखना कि वाई के सापेक्ष करने हैं तो यहां पे बाहर इस पूरे कोष्ट के बाहर मैंने डीवाई लगाया है, तो आप इन प्रत्येक के भी लगा सकते हो कि यहां पे डीवाई ये भी डीवाई ये भी डीवाई प्लस में डीवाई लगा के फिर इनका अलग अलग समाकलन करके भी हल कर सकते हो, वो एक ही बात है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो इसमें कितना हो जाएगा भाई एक्स इससे रहेगा और वाई का कितना हो जाएगा, वाई की पावर वन है तो वाई की पावर वन प्लस वन अपॉन टू, तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस इसमें एक्स स्क्वायर वाई क्या करेंगे, अरे इसमें एक्स वाई था इसमें भी सेम ही है तो एक्स स्क्वायर डॉट y स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स और ये हो जाएगा y की घात तीन अपॉन तीन और ये लिमिट हो जाएगी वन से टू और डी एक्स। अब इसमें क्या किया भाई हमने, इस x को रहने दिया y का समाकलन किया y के सापेक्ष, तो y का y के सापेक्ष कितना होता है y स्क्वायर अपॉन टू, तो y स्क्वायर अपॉन टू लिख दिया मैंने प्लस एक्स स्क्वायर था उसको बाहर रखा और जो वाई था उसका भी मैंने ठीक वैसे ही किया, तो इसका कितना प्राप्त हो गया वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स को रहने दिया और वाई का कितना हो गया वाई की घात तीन अपॉन तीन। अब है लिमिट को रख दें तो ये हो गया जीरो से थ्री और लिमिट को रखेंगे तो कहां पर रखेंगे भाई वाई की जगह, तो एक्स डॉट ये हो गया टू का स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर डॉट टू का स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स डॉट टू की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस माइनस फिर क्या करेंगे वन रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे ने, तो लोअर लिमिट क्या होगी एक्स डॉट वन का स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर डॉट वन का स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स डॉट वन की घात तीन अपॉन तीन और डी एक्स। ठीक है भैया इसको इधर लिख लेता हूं मैं, अबे हल कर ले इनको, तो कितना हो जाएगा जीरो से थ्री और ये हो गया फोर फोर अपॉन टू कितना हो जाएगा टू, तो इसको मैं क्या लिखूंगा टू एक्स प्लस ये हो गया फोर अपॉन टू टू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस एट अपॉन थ्री, तो थ्री एक्स अपॉन सॉरी एट एट एक्स अपॉन थ्री माइनस ये हो जाएगा आपके एक्स अपॉन टू प्लस
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री और ये हो गया dx। ठीक है, अब है आप ये माइनस का चिन्ह अंदर गुणा करा के इनमें से आप ये भी कर सकते हो, इसको भी आप कोष्टक में लिख देना भाई, कहीं भूल ना जाओ कि ये माइनस में होता है आपके, है ना, जो अपर लिमिट होती है उसमें से लोअर लिमिट को घटाना है, तो माइनस को कोष्टक के बाहर लिख दो ताकि आपको ये सीधा डायरेक्टली समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पहले से माइनस थोड़ा ही था, प्लस था नहीं है। हाँ, तो अब देखो कि जीरो से थ्री इनको हल करें तो माइनस में रख दो तो 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3 और dx। अब इनमें आप दो तरीके आपके पास में, या तो आप इनका एलसीएम लेकर वैसे हल कर लो, यदि वैसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, इन प्रत्येक का x के सापेक्ष भी समाकलन करके कर सकते हो, दोनों के आंसर सेम आने वाले हैं, तो देख लो भाई आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका यूज में ले सकते हो आप। कि अब यहाँ पे 2x तो एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, कि मान लो कि ये यहाँ पे दो दो वाले हैं तो इनको साथ में लिख देता हूँ मैं, कि 0 से 3 टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू ये हो जाएगा प्लस 8x अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये हो गया dx। तो अब देखो भाई 0 से 3 और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 तो ये कितना हो जाएगा 4x, अरे एक का भाग दो में गया 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस x स्क्वायर प्लस यहां से आ गया 3 8x माइनस x क्यूब और ये लिख दो dx। तो यहां से कितना बचेगा 0 से 3 और ये हो गया 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8x माइनस x क्यूब अपॉन 3 और dx के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो अब देखो भाई अलग अलग कर ले दोनों को, अलग अलग कैसे करेंगे, 0 से 3 और यदि ये लिखना चाहो तो पहले लिख दो अदरवाइज सीधा समाकलन कर दो, सीधा समाकलन करेंगे तो 1/2 बार आ गए और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा आपके 1/3 बार आ गया और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 और ये लिमिट आ जाएगी 0 से 3 यही होगी। तो अब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें तो क्या लिखेंगे इसको, ये इस कोष्ठक के बाहर ही है ना, तो 1/2 और जब 3 है उसको यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 और ये कितना हो जाएगा 8.9 अपॉन 2 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, तो बाकी देखो कैलकुलेटर थोड़ी सी लंबी होगी, 1/2 और ये हो जाएंगे 27 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएंगे 81 अपॉन 3 प्लस ये हो जाएंगे 1 अपॉन 3 और 72 अपॉन 2 माइनस अब ये देख लो 27 और ये हो जाएंगे 81 अपॉन 4। ठीक है, अब अंदर 2 से गुणा करा दो तो ये हो जाएंगे 27 अपॉन 4 प्लस 81 अपॉन 6 प्लस 72 अपॉन 6 माइनस 81 अपॉन
12 है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 12 है, तो 4 का भाग इसमें गया कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 27 से गुणा किया 81 प्लस ये चले गया 2 बार, तो ये कितनी बार चला जाएगा 2 बार भाग गया, 2 को इससे गुणा किया ये हो जाएंगे 162 प्लस अब है इस 6 का भाग इसमें 2 बार जाएगा तो ये हो जाएंगे 4 और 14 144 ये हो गई माइनस 81 इससे ये कैंसिल हो गए तो ये कितने हो गए 6 और 0 अपॉन 12 भाग 2 कितनी बार चला जाएगा 2 और 25 और कितना हो जाएगा ये समथिंग 3। तो अब देखो यहां से हो जाएगा 0 से 3 ये हो गया 4 एक्स अपॉन 2 या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ सीधा अपने हो जाएगा 4 अपॉन 2 तो कितना बच गया 2 तो ये हो गया 2x प्लस ये हो जाएगा 4 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8x अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पे x ही बचेगा भाई x ही होगा ना 1 का स्क्वायर 1 एंड x का x प्लस यहां से 1 की घात 3 1 एंड x अपॉन 3 ये हो गया आपके dx ठीक है। अब है इनकम करेंगे x के सापेक्ष तो x के सापेक्ष क्या होगा भाई इनका पहले तो आप ऐसा करो इनको कि पास में लिख देते हैं इनको तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 2x स्क्वायर इसको मैंने लिख दिया x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इसमें आप ये लिख दो 8x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 3 ठीक है कोष्ठक कर दो बंद और ये हो गया dx ठीक है। अब है यहाँ से 0 से 3 एलसीएम आ जाएगा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस यहाँ से आगे 3 और ये हो गया 8x माइनस x और dx। अब यहाँ पे देखो हमने इसका अभी तक क्या किया है केवल एलसीएम लिया है समाकलन नहीं किया है तो इसको क्या लिखूंगा मैं ये 4x में से x गया 3x हो गए तो 0 से 3 3x माइनस यहां से हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहां से ये हो गया 8 और यहां पे हो जाएगा 7x अपॉन 3 dx ठीक है। अब है यहां से दो कॉमन लेना चाहते हो तो दो कॉमन ले लो या फिर ऐसे कर लो दोनों का अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर सकते हो अदरवाइज सीधे मान रख दो कि मैंने लिखा ये 0 से 3 3x अपॉन 2 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7x अपॉन 3 और dx इनका समाकलन प्रत्येक का कर दो तो प्रत्येक का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा 3x की घात 3 अपॉन 3 दुनी 6 हो जाएंगे प्लस 7x की स्क्वायर अपॉन 6 और ये 0 से 3 घात कैसे हो पता चल गया कि यहां पे x था तो x का स्क्वायर अपॉन 2 तो 2 दुनी 4 हो जाएंगे नीचे वाले और यहां पे x की घात 3 अपॉन 3 तो 3 दुनी 6 यहां पे हो गए प्लस ये 7 तो बार है ही और ये हो जाएगा x की स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो x का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये टोटली मान कितना हो गया 6। तो यहां पे देखो आप, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखें तो ये 3.3 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 6 प्लस 7, एक्स की जगह 3 का स्क्वायर अपॉन 6 माइनस, यहाँ पे सारों में जीरो कर दो तो 0 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3.0 की घात 3 अपॉन 6 माइनस में सारे, ये तो अब माइनस में होगा ना, माइनस में क्यों होगा भाई, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 7 डॉट ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, तो आगे देखो, यहां से हो गया 3 डॉट ये हो जाएंगे 9 अपॉन 4 प्लस 3 डॉट कितने हो गए 81 अपॉन या 27 अपॉन 6 प्लस 7 डॉट 27 अपॉन 6 और ये हो जाएंगे 0। तो ये कितने हो गए 27 अपॉन 4 प्लस 27 इंटू 3 81 अपॉन 6 प्लस ये कितने हो गए 9 और 14 प्लस 4 189 अपॉन 6 एलसीएम कितने आ जाएंगे 4 6 हो जाएंगे 2 3 2 6 कितने आएंगे 12। एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लेना आता है कैसे करेंगे, पहले 3 4 6 6 को 7 में लिखना है, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 बार चला गया, फिर 2 का देंगे और फिर 3 का देंगे तो 3 2 6 6 2 12। तो 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा 3 बार, तो ये कितने हो जाएंगे 81 प्लस ये भाग चला गया 2 बार, तो ये हो गए 2 एंड 162 प्लस ये भाग चला जाएगा 2 बार, दो को फिर इससे गुणा किया तो 8 18 और फिर हो जाएगा 1 और अरे 9 को 2 से गुणा किया तो हो गए 18 8 लिख दिया और ये हो जाएगा 1 तो अदुनी 16 और 1 17 असल का 1 लग गया, फिर 2 और 1 3 378 तो जोड़ दो भाई तीनों को, जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 8 2 10 10 और 1 11 7 और 1 8 8 से 14 14 और 8 22 दो गए फिर 3 2 5 5 और 1 6 अपॉन 12 तो ये भाग दिया 12 का भाग कितनी बार चला जाएगा 0 है यहाँ पे। अब x वाले जो पद हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो x स्क्वायर वाले पद हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 से 3 और ये हो जाएगा 2x प्लस 8x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 ये हो जाएगा प्लस इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लो और बाहर लगा दो dx। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम लेंगे तो 0 से 3 और ये एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो यहां से 12x प्लस ये हो गए 2 बार 16x माइनस ये हो गए 3x और ये हो जाएंगे माइनस 2x प्लस ये हो गए 3 और 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहां से 0 से 3 और ये हो गए 12 एंड 16 कितने हो गए 28x माइनस 5x अपॉन 6 प्लस ये हो जाएंगे 7x स्क्वायर अपॉन 3 dx।
ठीक है, यहां से 28 में से 5x गए तो कितने बच जाएंगे, 5 23, अरे 23 बच जाएंगे ना, x अपॉन 6 ठीक है, और प्लस 7x स्क्वायर अपॉन 3 dx। अब यहां से देखो इनका करेंगे तो ये हो जाएगा 23.x² अपॉन 12 प्लस ये हो जाएगा 7.x³ अपॉन 9 कैसे हो पता है ना, कोष्टक बंद और जीरो से 3 की लिमिट लगा दी। अब है इस लिमिट का मान रख दे, लिमिट का मान रखेंगे तो हो जाएगा 23. यहाँ पे हो जाएंगे 9 अपॉन 12 प्लस 7 डॉट ये हो गए 27 अपॉन 9 माइनस जो भी होगा अपर लिमिट में सारे मान वैसे भी जीरो हो ही जाएंगे। तो आगे देखो 23 को 9 से गुणा किया तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 207 अपॉन 12 प्लस 7 को 27 से गुणा किया तो ये हो जाएंगे 49, 14 और 4 18 अपॉन 9 और फिर आगे लो इनको। तो अब देखो 207 बटा 12 प्लस 189 अपॉन 9 तो इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है और अभी हमारे पास में लिमिट और चल रही है, लिमिट का मान यहाँ पे भूल मत जाना 0 से 3 यहाँ पे तो क्या रख दिया सॉरी अब तो सीधा हल ही करना है। तो 207 अपॉन 12 प्लस 189 अपॉन 9 तो क्या करेंगे भाई इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 और 9 उनको साइड में लिखना है और फिर इनका निकालना है एलसीएम। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम इनका आएगा, एलसीएम आ गया इसका 36। अब 12 का भाग 36 में तो 207 इंटू 3 प्लस 189 गुणा 4 कितने प्राप्त हो गए, 21 और ये हो जाएंगे 6 प्लस 9 को 4 से गुणा किया 36 असल के 3 और ये हो जाएंगे 32 और 32 और 3 35 3 हो गए 4 3 7 अपॉन 36 तो ये कितने प्राप्त हो गए भाई, ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा आपके 2x माइनस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 प्लस 8x अपॉन 3 और अब x स्क्वायर वाले पद रख दें, अरे पहले यहां पे 2x x एंड x ये तीनों रख दिए प्लस 8x अपॉन 3 हो गया प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये भी तो माइनस में ही था x अपॉन 3 तो इसको भी माइनस में रखना भाई माइनस में ठीक है। अब ये हो गया 2x स्क्वायर फिर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 और dx 0 से 3 तो यहां पे ये हो जाएगा समाकलन ऑफ 0 से 3 ये हो गया 2x स्क्वायर अपॉन पहले स्क्वायर कर लेते हैं एक बार हल कैसे करेंगे, यहां से एलसीएम आ गया 6 और ये हो जाएंगे 12x माइनस भाग चला गया 2 का भाग 3x माइनस ये हो जाएंगे 2x प्लस भाग चला गया 2 बार 16x प्लस यहाँ पे कितना बच गया 2 और ये हो जाएंगे 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
और dx, तो यहां से हो गए ये 0 से 3 और 23x अपॉन 6 माइनस ये 3x² अपॉन 2 dx, ठीक है भाई। अब है इनका कर दे समाकलन, समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, समाकलन कर दिया तो ये हो गया 23.x² अपॉन ये हो जाएंगे 12 माइनस ये हो गया 3.x², एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की घात 3 अपॉन ये हो जाएंगे 6 और 0 से 3। अब अपर लिमिट रख दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो और अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 23.3² अपॉन 12 माइनस 3 डॉट ये हो जाएंगे 3³ अपॉन 6 और माइनस जो भी मान होगा 0, क्योंकि यहां पे 0 रखेंगे, x² की जगह 0 रखेंगे तो इसका गुणा 0 हो जाएगा, x³ की जगह 0 रखेंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो 23.3² कितना हो गया 9 अपॉन 12 माइनस ये 3 डॉट यहां पे हो जाएंगे 27 अपॉन 6। फिर आगे अब 23 को 9 से गुणा किया तो ये हो जाएंगे 207 माइनस ये हो जाएंगे 81 अपॉन 12 और यहां पे हो जाएगा 6। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 207 माइनस भाग चला गया 2 बार तो 2 और 8 दूनी 16, 162 हो गए। अब भाग दो भाई इसमें, सॉरी पहले माइनस कर लो, तो 7 में से 2 गए 5, 0 में से 6 गए 4 बटा 12, तो 12 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा 36, 36 और फिर कितने बच गए, 36 के बाद में 4, 9 बच गए। अब 9 में 9 बटा 12 लिख दो, 3 के पार से ये कट गया 3 बार, ये कट गया 4 बार, तो 3 से 3 बटा 4, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर लिख दियो, इस तरह से आपको क्वेश्चन से हल करने हैं। तो जो डबल समाकलन है वो किस तरह से हल करना है समझ गए होंगे, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। और अब है आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो, जैसे कि दीर्घवृत्त का आपको समीकरण दे दिया, उसके बाद में आपको कहे कि आपको पहले लिमिट निकालनी पड़ती है और उसके बाद में उस क्वेश्चन को हल किया जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आगे आएंगे, वो भी हल करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।